Yes. Now I'm going to revise geography chapter 1 resources. Anything can be used to satisfy our need, that is called resource. Kya hota hai? Hamari jo needs ko satisfy kare, that is called resource. Ab alag alag tarah ke resources jo hain wo nature mein available hain. एक और टर्म है आपकी बुक में, न्यू टर्म्स अच्छी तरह से लर्न करनी है एमसीक्यूज के लिए. यस, पेटेंट. पेटेंट करवाना क्या होता है? एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया. सपोज आपने किसी चीज को इन्वेंट किए, आप चाहते हो कि आपकी परमिशन के बिना कोई उस पर वर्क ना करे, तो आप उसको क्या करवाओगे? पेटेंट. आपने देखा होगा नेट में कई बार कुछ ऐसी इमेजेस होती है जो आप शेयर नहीं कर सकते. रीजन क्या होता है उस पर? क्या होता है? कॉपीराइट. कॉपीराइट का मतलब क्या होता है कि अगर आप उसको शेयर करोगे तो वो आगे शेयर नहीं होगा. ऐसे ही कुछ आइडियाज जो हैं उनको पेटेंट करवाते हैं. पेटेंट का मतलब होता है एक्सक्लूसिव आइडिया, कि आपके आइडिया को कोई और कॉपी नहीं करे. ठीक है? हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ. विच आर द टू फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स? टाइम एंड टेक्नोलॉजी. पीपल हिमसेल्फ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स. टेक्नोलॉजी क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी? इट इज एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल. यानी कि लेटेस्ट नॉलेज और स्किल को जब हम यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी. ठीक है? आगे देखो, टाइप ऑफ रिसोर्सेज. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. सबसे पहले आपने बताना है natural resources can be classified into two parts, renewable resources and non-renewable resources. renew का मतलब जो renew हो जाते हैं, non-renewable होगा मतलब कि वो जो non-renew का जिनको मतलब renew नहीं कर सकते, नाम से ही हमें पता लगता है. अब सबसे पहले हमने बताना है renewable resources क्या होती है. natural resources which can be renewed. रिन्यू का मतलब क्या होता है? जो कभी खत्म नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, जब तक सन है तब तक हमें एनर्जी मिलती रहेगी, जब तक विंड है तब तक हमें विंड एनर्जी मिलती रहेगी. ठीक है? तो दीज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. लेकिन नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? जिनकी क्वांटिटी लिमिटेड होती है, एक बार जब हम उसको यूज कर लेते हैं तो वो खत्म हो जाता है. जैसे पेट्रोल है, आपने एक बार कार में फुल टैंक फिल करवा लिया, आपने उसको यूज कर लिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिफिल करवाना पड़ेगा. इट मींस आपने इसको एग्जॉस्ट कर लिया. फॉर एग्जांपल कोल. सेकंड इज नेचुरल गैस. आपके घर में सिलेंडर आता है, एक मंथ के बाद सिलेंडर खत्म हो जाता है. नेचुरल गैस दैट इज पेट्रोलियम. तो ये जो है दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. सेकेंड है ह्यूमन मेड. बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है ह्यूमन. हम ह्यूमन है तो हम है ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन मेड का मतलब है जिसको ह्यूमन ने बनाया है, दैट इज ह्यूमन मेड. ह्यूमन रिसोर्सेज मींस फॉर एग्जाम्पल बी द टीचर्स, डॉक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, लॉयर्स, स्टूडेंट्स. हम सारे क्या है? हम ह्यूमन रिसोर्स. हम जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, ये स्कूल है, दैट इज ह्यूमन मेड रिसोर्स. ठीक है? ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है? जो ह्यूमंस बनाते हैं. फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स. ठीक है? ह्यूमन का मतलब होता है पीपल, जो लोग होते हैं. आगे आ जाओ. स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक मतलब उसकी कितनी क्वांटिटी है. सपोज आप बच्चे, आपके घर में सपोज अगर हम ये कहते हैं ना, कई बार लॉकडाउन लग गया और अब मार्केट में कोई भी चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन हम कई बार ये भी तो कहते हैं हमारे घर में प्रॉपर 2 मंथ्स का स्टॉक है. स्टॉक का मतलब कि हमने सारा क्या किया हुआ, स्टॉक करके रखा हुआ. शुगर भी है, राइस भी है, बीट भी है. ठीक है? लेकिन सपोज अगर आपके घर में स्टॉक ना हो तो क्या करोगे? क्या होगा? स्टॉक आपको टेंशन हो जाएगी कि लॉकडाउन लग चुका है, आपके घर में प्रॉपर स्टॉक नहीं है, तो आपको वरी होगी. ऐसे ही नेचुरल रिसोर्सेज का स्टॉक. इसका मतलब है कि गवर्नमेंट क्या करती है? कैलकुलेट करती है
कि हमारे पास हमारे कितने फॉरेस्ट एरियाज हैं, कितने पेट्रोलियम, कितने जो है वो हमारे पास विंड एनर्जी है, और इसका स्टॉक जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट कई बार टीवी में ऐड आते हैं कि 50 इयर्स दीज आर सफिशियंट, कि हमारे पास सिर्फ इतना ही स्टॉक है, उसके बाद ये कि हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि लोगों को उसको कंजर्व करना चाहिए, और कंजर्व करना मतलब कंजर्वेशन क्या होती है, कंजर्वेशन का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना। सो दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूज इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। यानी कि रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना और टाइम देना ताकि वो अपने आप जो है रिन्यू हो सके। इसका मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल फर्नीचर बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, पेड़ काटते हैं। एक मेथड हो सकता है कि सारे के सारे एरियाज के पेड़ काट लें और एरिया को क्या करते हैं, बैरन। तो ट्रीज, नए ट्रीज आने में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा, 15 to 20 years। लेकिन एक ये भी मेथड हो सकता है कि वो सब क्या करें, सिर्फ इस पैच यहीं से पेड़ों को काटें और इसको भी रहने दें। ठीक है, और उसके बाद इसको प्रॉपरली पहले इसका फर्नीचर बना लें, 5-6 years के बाद फिर क्या करें, यहाँ पे प्लांट्स को पहले क्या करें, यहाँ पे एक फॉरेस्टेशन, नए प्लांट्स लगाए, इन द मीन टाइम फिर सेकेंड पैच है उसको सेलेक्ट करें, इन द मीन टाइम यहाँ पे ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, उसके बाद 5 years के बाद फिर पैच सेलेक्ट करें, यहाँ पे ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। इन द मीन टाइम हमारे 15 years यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, नेक्स्ट हमारे ट्रीज यहाँ पे तैयार हो, तो दैट इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। एक तो उनको यूज वाइजली यूज करें एंड सेकेंड थिंग इनको टाइम दे ताकि नेचर उनको अपने आप क्या करे, रिप्लेनिश करे, रिन्यू करे, तो दैट इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। एक और कंसेप्ट है बच्चे आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेन करना इस चीज को, फ्यूचर के लिए बचाकर रखना। सस्टेन का मतलब होता है फ्यूचर के लिए बचाना, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल। फ्यूचर के लिए इसको बचाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आप सबको यानी कि लोगों को जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको ऐसे यूज करना चाहिए, इसमें हम क्या करेंगे, हमने ये यूज कर लिया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि हमने इसको बैलेंस के यूज किया, इसको छोड़ दिया, ये आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ दिया, ताकि आने वाली जनरेशन इसको यूज करे, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फ्यूचर यूज, यानी कि आने वाली जनरेशन के लिए उसको बचाना, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि हम इस तरह से उसको बैलेंस करके यूज करें कि आगे के लिए भी बच जाए। फॉर एग्जाम्पल अपने घर में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करते हो, आपके पेरेंट्स है ना, क्या सारा का सारा खर्च कर देते हैं, सारा खर्च कर देते जो उनकी इनकम होती है, क्या करते हैं, सेविंग। किसके लिए सेव कर रहे हैं, बच्चों के लिए, अपने लिए, ताकि इन फ्यूचर कभी भी उनको जरूरत पड़े तो वो ये वाला जो पार्ट है इसमें से वो क्या करें, उसको यूज करें। ऐसे ही रिसोर्सेज भी ऐसे होते कि आज आप उनको वाइजली यूज करो और कुछ पार्ट फ्यूचर, ताकि अगर हमारे पास तो सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हमारे पास कुछ तो होगा ना, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ तो बचाओगे। आज आप जिन पेड़ों के फ्रूट खा रहे हो क्या वो आपने उगाए हैं, आज आप जिन पेड़ों के फ्रूट खा रहे हो क्या वो आपने उगाए हैं, वो आपके पिछली जनरेशन ने उगाए हैं। ऐसे ही आप ही कुछ ऐसा करके जाओ ताकि आपकी आने वाले जनरेशन आपको याद करो, है ना। तो रिसोर्सेज कैन बी यूज वाइजली एंड कैन बी यूज फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, इट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ये बहुत ईजी है, इनको बहुत ध्यान से नोट करो, याद करो। नंबर वन, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स, लाइफ के हर फॉर्म, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, सबको प्रोटेक्ट करो, रिस्पेक्ट करो। नंबर टू, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। आप सपोज सोच रहे हो कि मैं तो लैविश, मेरे पास दो कार हैं, दो स्कूटर हैं, व्हीकल्स हैं,
सारा दिन घर में आपकी सारी लाइट्स ऑन रहती हैं, तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर रिसोर्सेज। अपनी लाइफ को क्वालिटी लाइफ में कन्वर्ट तभी कर सकते हैं जब हम रिसोर्सेज को वाइजली यूज करें। कंजर्व द अर्थ वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी, अपनी अर्थ की डाइवर्सिटी को कंजर्व करके से प्रॉपरली अपनी अर्थ की जो डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करो। कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हर एरिया का अपना फीचर होता है, माउंटेन एरियाज हैं, रिवर्स हैं, डेजर्ट एरियाज हैं, हर एरिया का अपना फीचर, और हर एरिया के फीचर के अकॉर्डिंग हम अर्थ को वहां पे यूज करते हैं। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिप्लीशन का मतलब होता है वेस्टेज, जितना हो सके रिसोर्सेज की वेस्टेज को बंद करो। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, एक पर्सन कह सकता है कि हाँ जी whatever the dust you can say problem is there, अगर आपके क्लास में प्रॉब्लम है, बाहर प्रॉब्लम है, तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, लेकिन आप ये सोचो कि आपसे शुरुआत हो सकती है। अगर अपने आसपास से कूड़ा करकट आप डस्टबिन में डालोगे, बच्चों को सिखाओगे, फ्रेंड्स को सिखाओगे, तो आपसे शुरुआत हो, आपने सोसाइटी का पार्ट नहीं बन जाना, आपने वो करके दिखाना है कि सोसाइटी आपको आपको फॉलो करे, ठीक है। आपने वो नहीं करना जो बाकी कर रहे हैं, आपने वो करके दिखाना है जिससे कि लोग आपको फॉलो करें, ठीक है। देन एनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, अपने आसपास के लोगों को इस चीज के लिए अवेयर करो, अपने घर में प्लांट्स लगाओ, ऑक्सीजन गिविंग, ऑक्सीजन कम हो रही है तो ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स लगाओ ताकि आपका एनवायरनमेंट इम्प्रूव हो, और आपके फ्रेंड्स को इस चीज के लिए गाइड करो, जिन लोगों को नहीं पता कि प्लांट्स लगाने के क्या यूज होते हैं उनको इस चीज के लिए गाइड करो। आप गाइड करोगे, एक को गाइड करोगे तो दो लोग उगाएंगे ना, दो लोग बाकी को, चेन ऑफ, चेन का मतलब क्या होता है, जैसे एक ने दो दूसरे की हेल्प की, दूसरा तीसरे की हेल्प करेगा, तो अल्टीमेटली लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे और रिसोर्सेज कैन बी प्रोटेक्टेड। दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज रिसोर्सेज। आगे आ जाओ, नेक्स्ट इज लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अच्छा, एक ही चैप्टर में हमने कितने ही रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले है लैंड, लैंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर लैंड नहीं होती तो एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड आपको पता है कि हमारी हमारे वर्ल्ड में लैंड जो है दैट इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड। अनइवन का मतलब क्या होता है, किसी किसी एरिया में पॉपुलेटेड लैंड ज्यादा है, किसी किसी एरिया में पॉपुलेशन कम है। क्या रीजन होते हैं हाई पॉपुलेशन या लो पॉपुलेशन की, अगर मैं ये पूछूं which are the reasons why in some areas people densely populated, densely को thickly भी कहते हैं, more भी कह सकते हैं, more populated। दूसरी तरफ मैं आपसे ये पूछूं why in some areas thickly populated और densely की जगह हम क्या कह सकते हैं, डेंसिटी की जगह मैं क्या वर्ड यूज कर सकती हूँ, मोर मींस लेस, ठीक है, और स्पार्स, स्पार्सली, मीनिंग सेम ही है। अब डेंसली एंड स्पार्सली, डेंसली का मतलब रीजन ये बहुत ही इजी है, लोग किस एरिया में ज्यादा प्रेफर करते हैं, जहां पे क्या हो, क्लाइमेट क्या हो, सूटेबल ड्रिंकिंग वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सब कुछ जो है वो उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेस चांस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, तो देखा जाए प्लेन एरियाज या नियर रिवर एरियाज, रिवर बैंक्स, ये सारी फैसिलिटीज लोगों को मिलती है, लेकिन लेस और स्पार्सली कहाँ पे होता है, डेजर्ट एरियाज, बॉर्डर एरिया, जहाँ पे वॉर की चांस ज्यादा होती है बॉर्डर एरिया, तो यहाँ पे जो लोग हैं दीज आर लेस और स्पार्सली पॉपुलेटेड। तो लैंड जो है, लैंड यूज पैटर्न, लैंड यूज का मतलब क्या है कि लैंड को कितनी तरह के यूज किया जा सकता है, लैंड को किस किस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, और लैंड को किस पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है, बिल्डिंग, मेकिंग बिल्डिंग, और कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ठीक है। एक पर्टिकुलर जगह अगर तो वो फर्टाइल होगी तो वहां पे एग्रीकल्चर होगी, अगर वो फर्टाइल नहीं है तो वहां पे कॉलोनीज बनाई जा सकती हैं। अगर उसके नीचे नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं, गोल्ड है, सिल्वर है,
उसमें क्या होगा, माइनिंग, ठीक है। अगर वो किसी रॉ मटेरियल एरिया के पास है तो वहां पे क्या हो सकता है, फैक्ट्रीज बनाई जा सकती है, इंडस्ट्रीज बनाई जा सकती है। तो इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं, लैंड, लैंड कैन बी बेस्ट यूटिलाइज अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। लैंड तभी यूटिलाइज की जा सकती है जब उसकी टाइप देखी जाए। एलुवियल लैंड होगी तो इट विल बी सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। अगर सैंडी ऑयल है, सैंडी ऑयल दो जगह हो सकती है, डेजर्ट में भी हो सकती है, बीच एरिया में भी हो सकती है, तो वो लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं होगी। और अगर प्लेट्यूज एरियाज हैं तो प्लेट्यूज कैन बी यूज फॉर माइनिंग, ठीक है। हाँ जी, आगे आ जाओ। हाउ वी कैन कंजर्व लैंड, लैंड पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, क्या रीजन है लैंड पॉल्यूशन के, लैंड पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, क्या रीजन है। पहले आप उसकी प्रॉब्लम, लैंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, फिर उसके बाद हम करेंगे कि हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं। पहले आप प्रॉब्लम बताओगे फिर सॉल्यूशन। प्रॉब्लम क्या है, लैंड को पोल्यूट कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, दे आर थ्रोइंग ओपन गार्बेज, ठीक है। बाहर आप देखते हो स्लम्स एरियाज में जाते हैं लोग क्या करते हैं, ठीक है, ओपन में गार्बेज फेंक देते हैं, ठीक है, गार्बेज। सेकंड क्या है, लैंड पोल्यूशन क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। वेरी गुड, डीफॉरेस्टेशन हो रही है, रूट्स जो है वो कट जाएंगे, बारिश में क्या होगा, सॉइल इरोजन होगी, फ्लड्स आएंगे, तो जितने पेड़ कम होंगे उतना ही आगे से आगे सॉइल जो है, टॉप सॉइल जो रिमूव हो जाएगा और एग्रीकल्चर एरिया जो है वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। और क्या रीजन होता है लैंड पोल्यूशन का, क्या रीजन है लैंड पोल्यूशन का, क्या हो रहा है, लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, लोग क्या कर रहे हैं, ओपन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है जिससे कि डस्ट हो रही है, और जितनी डस्ट ज्यादा होगी उतनी ही सॉइल जो है वो एलुवियल नहीं होगी बल्कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कम। वेरी गुड, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स दे आर यूजिंग, बहुत ज्यादा ओवर यूज हो, ओवर यूज होगा लैंड पोल्यूशन, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी और जो भी प्लांट्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रो होंगी दीज विल नॉट बी ईटेबल, ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब प्रॉब्लम्स मतलब अभी उसको कैसे कंजर्व कर सकती हूँ, सोल्यूशन क्या है। नंबर वन, इसको ऑपोजिट कर दो, डीफॉरेस्टेशन का ऑपोजिट क्या हुआ, एफॉरेस्टेशन। वी कैन कंजर्व लैंड बाय एफॉरेस्टेशन, हम प्लांट कर सकते हैं ट्रीज जिससे कि लैंड की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी जो है वो इंक्रीज है, ठीक है। सेकंड, लैंड रिक्लेमेशन, लैंड रिक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, कई बार सपोज अगर अपने घर का ही देखो, आपके पास प्लांट्स होंगे, अगर आप 3-4 months के लिए आप सॉइल को टर्न नहीं करोगे तो सॉइल क्या हो जाएगी, क्रैक्स पड़ जाते हैं उसमें। तो आपके घर में अगर गार्डनर है, माली आता है, तो वो क्या करता है, आपने देखा कभी क्या करता है, वो क्या करता है, हाँ, वो नीचे वाली सॉइल को ऊपर करते हैं। रिक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, नीचे वाली मिट्टी को ऊपर करते हैं ताकि नीचे की फर्टिलिटी को ऊपर लाया जा सके, और इस तरह से टर्न करके सॉइल की जो है वो बैलेंस किया जा सके, ठीक है। देन रेगुलर यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड शुड बी अवॉइड, ठीक है। लोगों को चाहिए कि वो सेम जो हमने इसमें बताया उसको ऑपोजिट कर दो, कि लोग जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ओवर यूज कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए उनके ऊपर कीप, दे शुड कीप चेक। लैंड पोल्यूशन ओवर ग्रेजिंग की एक फैक्टर, ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या है, कि लोग अपने एनिमल्स को खुला छोड़ देते हैं, ग्रेजिंग होती है जिससे कि ऊपर वाली जो ग्रास है वो ग्रास कवर हो जाए, खत्म हो जाएगा और सारी की सारी जो रूट्स वो जो है वो सॉइल को क्या कर देंगे, ड्राई कर देंगे। कंजर्वेशन के लिए क्या करना चाहिए, वी शुड कीप चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग, लोगों को चाहिए कि अपने एनिमल्स की जो है ओवर ग्रेजिंग जो है वो कम करें ताकि लैंड के ऊपर प्रेशर जो है वो कम हो। सो विद दिस वी कैन यूज लैंड फॉर डिफरेंट पर्पजेस। आगे आ जाओ, सॉइल, सॉइल भी अलग अलग तरह की होती है। एलुवियल सॉइल बेसिकली कहाँ पे पाई जाती है, रिवर्स के पास, प्लेन एरियाज, ठीक है। डेजर्ट सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, डेजर्ट एरियाज। देन माउंटेन सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, माउंटेन एरियाज, ठीक है। लैटराइट, अच्छा एक और सॉइल होती है टाइडल सॉइल, टाइडल, टाइडल वहां पे होती है जब टाइड्स होती है समुद्र के आसपास, ठीक है। तो हर तरह की सॉइल जो है उसकी अपनी ही क्वालिटी है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, व्हिच आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन,
की जो फॉर्मेशन है उसके लिए, मिट्टी जो है उसको बनाने के लिए नंबर वन सबसे इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट। जिस एरिया का क्लाइमेट ज्यादा कूल होगा, बारिश ज्यादा होती है, वहां की जो सॉइल है वो क्या होगी, उसमें नमी ज्यादा होगी। डेजर्ट एरियाज की सॉइल क्या होगी, ड्राई। जितनी सॉइल ड्राई होगी वहां पे हम ट्रीज ग्रो नहीं कर सकते। सेकेंड इज टाइम। टाइम फैक्टर भी किसी पर्टिकुलर एरिया में सॉइल को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड इज फ्लोरा एंड फौना। आपने देखा होगा ट्रीज के जो पत्ते झड़ जाते हैं, पत्ते सूख जाते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं और ये मिट्टी में मिल जाते हैं, तो अल्टीमेटली ये क्या करते हैं, ह्यूमस, यानी कि जो लीव्स हैं ये मिट्टी में मिल जाते हैं और अल्टीमेटली ये मिट्टी की ही फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। देन इज रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड। जो प्लेस सी लेवल या प्लेन से जितना ऊंचा होता है वहां की सॉइल जो है उतनी ही क्या होगी, ड्राई। ठीक है, तो ये भी फैक्टर डिपेंड करता है कि प्लेन एरियाज की सॉइल ज्यादा फर्टाइल होती है, माउंटेन एरियाज की सॉइल कम फर्टाइल होती है। देन इज पेरेंट रॉक। ये भी डिपेंड करता है कि रॉक किस, जो मिट्टी है वो किस रॉक से बनी है। अगर तो वो वॉल्केनो से जो इरप्शन हुई और उस इरप्शन से लावा बना, लावा से धीरे धीरे वो 500 ईयर्स के बाद वो क्या बन गई, कौन सी रॉक्स बनी, सेडिमेंट्री बनी थी, इग्नियस बनी, इग्नियस। अगर इग्नियस रॉक से मिट्टी बनी है तो मिट्टी का रंग क्या होगा, ब्लैक। और अगर सेडिमेंट्री या दूसरी रॉक से बनी है तो उसका जो कलर है वो डिफरेंट है। तो मिट्टी को बनाने, मिट्टी का जो रंग होता है, मिट्टी का जो कलर होता है, इनके लिए ये भी फैक्टर डिपेंड करते हैं। नंबर वन क्लाइमेट, नंबर टू टाइम, नंबर थ्री फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट इज रिलीफ एंड लास्ट इज पेरेंट रॉक। तो कई बार तो एक जो है पर्टिकुलर सॉइल को बनने में कितना टाइम लग जाता है, और मिट्टी बनती कैसे है, बनती कैसे मिट्टी, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। ठीक है, आगे देखो लैंडस्लाइड। आपकी बुक में बच्चे एक अलग से टॉपिक दिया गया है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए और इसके मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है कि हम लैंडस्लाइड को कैसे रोक सकते हैं, हाउ वी कैन चेक लैंडस्लाइड प्रॉपरली। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंडस्लाइड को कहते क्या है, मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रीज अर्थ डाउन अ स्लोप। यानी कि लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे लैंड स्लाइड। स्लाइड का मतलब क्या होता है, मेनली हिली एरियाज में ज्यादा होता है। ठीक है, दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शंस विद अर्थक्वेक। बेसिकली ये तब आती होता है जब या तो अर्थक्वेक होता है, या फ्लड्स आते हैं, या वॉल्केनो इरप्शन होती है। इससे क्या होता है, कई बार ऊपर वाले एरियाज जो हिली एरियाज होते हैं, बारिश के कारण वहां पे स्लोप जो है चेंज हो जाने के कारण कई बार लैंडस्लाइड हो जाता है। कई बार आपने देखा हिली एरियाज में रास्ते बंद हो जाते हैं, क्यों बंद होते हैं, मे बी ऊपर से स्टोन जो है वो नीचे आ गए और उन्होंने रोड को ब्लॉक कर दिया और ट्रैफिक जो है वो क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा। जब तक उस रॉक को वहां से नहीं उठाएंगे, पत्थर को नहीं उठाएंगे, तब तक रास्ता आपको नहीं मिलेगा। दैट इज कॉल्ड लैंडस्लाइड। ये ऐसा ही लैंडस्लाइड जो है कहाँ पे आया था, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश। एंड ये अल्टीमेटली जो है कितना पर्टिकुलर टाइम पीरियड, हिमाचल प्रदेश में डैमेज 200 मीटर स्ट्रेच, 200 मीटर तक जो रोड है ब्लॉक कर दी थी। एंड ड्यू टू दिस मैनी पीपल दे लॉस्ट देयर वे। लॉस्ट देयर वे का मतलब होता है उनको रास्ता जो है, ठीक है, कितने दिनों तक उनको वहीं पे फंसना पड़ा, क्योंकि लैंडस्लाइड का मतलब है कि आपके रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। सपोज आप हिल स्टेशन में जाओ और जाते हो, जब वापस आओगे तो लैंडस्लाइड हो गया, वो आपको वहीं पे रोकेंगे जब तक लैंड क्लियर नहीं होगी। देन इज मिटिगेशन। क्या हम लैंडस्लाइड को रोक सकते हैं, ये डिजास्टर है, हम रोक नहीं सकते, हम रोक नहीं सकते, हम सिर्फ क्या ले सकते हैं, प्रिकॉशंस। तो मिटिगेशन मैकेनिज्म को बोलते हैं प्रिकॉशन, कि हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। नंबर वन इज रिटेंशन वॉल। रिटेंशन वॉल देखो, माउंटेन, अगर आप हिली एरियाज में जाते हो ना, रोड्स एक तरफ माउंटेन्स होते हैं और एक तरफ नीचे क्या होती है, खाई होती है। लैंडस्लाइड में क्या होगा, ऊपर वाले स्टोन नीचे आएंगे और रास्ते को क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब आप हिली एरियाज में जाते हो ना, तो पूरी रोड साइड में रिटेंशन वॉल्स का मतलब होता है वायर, रॉड से उसको कवर किया होता है।
कवर करने से क्या होगा, कवर करने से क्या होगा, काफी हद तक जो स्टोन्स हैं या ऊपर से जो मिट्टी है वो रोड को ब्लॉक नहीं करेगी। इसको क्या बोलते हैं, रिटेंशन वॉल्स। ये सिर्फ मिटिगेशन का मतलब है कि हम बच सकते हैं, ठीक है। नंबर टू, लैंडस्लाइड जो है उसको रोकने के लिए चाहिए कि मैक्सिमम जो है वो ट्री प्लांटेशन की जाए। हिली एरियाज में ट्री प्लांटेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही ऊपर से आने वाली मिट्टी और ऊपर से आने वाले जो जो सॉइल है या रॉक है या स्टोन्स है या पत्थर है उनकी स्पीड कम हो, ठीक है। मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड। मैपिंग का मतलब होता है आपको पता होना चाहिए कि इन एरियाज में लैंडस्लाइड ज्यादा आने के चांस होते हैं, तो वहां पे बिल्डिंग वगैरह नहीं बनानी चाहिए। जितनी बिल्डिंग ज्यादा बनेंगी उतना क्या होगा, वहां पे लैंडस्लाइड आएगी और डिजास्टर्स होंगे और लोगों के मारे जाने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये लैंडस्लाइड के बारे में है, ठीक है। आगे देखो, सबसे पहले तो हमने बताना है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। जैसे हमने लैंड का किया था, डिग्रेडेशन सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन के कारण जो है वो मेन लैंड जो है वो पॉल्यूट होती है। ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स, फ्लड। लेकिन हम इसको रोक कैसे सकते हैं? नंबर वन, मल्चिंग। मल्चिंग क्या होती है? द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स टू कवर विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्चिंग? यस, इसमें क्या होता है, फार्म्स एरियाज में कुछ लैंड को बीच में से खाली छोड़ दिया जाता है। ये लैंड खाली है, यहाँ पे कुछ ग्रो नहीं किया जाएगा, ठीक है। और कुछ देर के लिए यहाँ पे पानी पानी डाल दिया जाता है। पानी का, पानी से क्या होगा, दोनों तरफ जो है वो सॉइल को क्या मिलेगी, नमी मिलेगी, और यहाँ पे ग्रोथ की जाती है, प्लांट्स को यहाँ पे ग्रो किया जाता है। इट मीन्स बेयर लैंड का मतलब है ये लैंड खाली छोड़ दी जाती है ताकि आसपास का जो एरिया है पानी डालकर उस लैंड को, प्लांट्स को क्या किया जाए, प्रॉपर जो है वो मॉइस्चर मिलता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मल्चिंग। इससे क्या होगा, अगर मिट्टी, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मिट्टी सूख जाएगी और 3-4 डेज के बाद सपोज वहां पे स्टॉर्म्स आते हैं, डेथ सैंड स्टॉर्म आएगा, तो सारी मिट्टी क्या हो जाएगी, उड़ जाती। लेकिन अगर पानी होगा तो क्या होगा, पानी होगा तो मिट्टी को बाइंड करके रखेगा, ठीक है। सेकेंड इज कॉन्ट्योर बैरियर्स। कॉन्ट्योर बैरियर्स जो हैं, ठीक है, बेसिकली क्यों बनाए जाते हैं, स्टोन्स ग्रास सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग द कॉन्ट्योर्स। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वॉटर। बेसिकली कॉन्ट्योर बनाए जाते हैं, ये देखो माउंटेन एरियाज है ना, सपोज यहाँ पे किसी भी तरह का हम बैरियर ना बनाए तो ऊपर से सॉइल स्टोन्स जो है, पानी जो है वो नीचे आएगा। लेकिन इसको हाफ वे में रोकने के लिए यहाँ पे क्या बनाए जाते हैं, बैरियर्स, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एरिया छोड़ दिया जाता है। अब क्या होगा, ये देखो पानी पहले यहाँ पे रुकेगा, फिर उसके बाद इसको इसको स्लोप स्लोप को रोक लिया जाता है, उसके बाद फिर रुकेगा, उसके बाद फिर रुकेगा, यानी कि पहले वो है वो स्ट्रेट आता था, अब उसको बीच में क्या कर दिया, रोक दिया, पानी को रोक दिया, मिट्टी को रोक दिया, स्टोन्स को रोक दिया, ताकि नीचे रहने वाले लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट जो है वो कम पड़े, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्योर बैरियर्स। आगे आ जाओ, रॉक डैम्स। रॉक डैम्स जो हैं वो बेसिकली जो हैं वो बनाए जाते हैं जो रिवर्स होती हैं, जहाँ पे रिवर्स का पानी बहुत ज्यादा फ्लो के साथ आता है, और वहां पे क्या कर दिया जाता है, कुछ पत्थर या बड़े बड़े रॉक्स को बीच में छोड़ दिया जाता है ताकि पानी का फ्लो जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। डैम्स टाइप बना दिए जाते हैं वहां पे फ्लो को कम करने के लिए, क्योंकि जितना रिवर का फ्लो ज्यादा होगा आसपास के एरियाज में फ्लड्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग, ये तो था कॉन्ट्योर बैरियर, ये तो सिर्फ बैरियर बनाए जाते हैं। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, हिली एरियाज में स्लोप्स बनाकर जो एरिया है, जितनी भी
लैंड अवेलेबल होती है वहां पे एग्रीकल्चर की जाती है उसको बोलते हैं स्टेप फार्मिंग। अगर आप नीचे से वहां पे देखोगे तो आपको लगेगा कि माउंटेन्स जाने के लिए क्या है स्टेप्स, ठीक है। यू कैन सी इन योर पिक्चर, दिस टाइप ऑफ पिक्चर यू कैन सी, हियर इट इज स्टेप फार्मिंग। वैसे तो माउंटेन एरियाज में लैंड बहुत कम होती है, लेकिन जहां पे भी लैंड मिलती है तो लोग उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। और नीचे से जब हम ऊपर देखेंगे तो हमें लगेगा कि शायद वो स्टेप्स बनाई गई। तो अल्टीमेटली स्टेप फार्मिंग को भी क्या बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग इसलिए बनाई जाती है ताकि ऊपर से आने वाली मिट्टी और ऊपर से आने वाले पानी या रॉक्स या जो पीसेस ऑफ स्टोन्स हैं उनके स्पीड को कम किया जाए और जितनी लैंड अवेलेबल है उस लैंड को यूज किया जाए। देन इज इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, एक ही पर्टिकुलर एरिया यानी कि अल्टरनेट रोज। अल्टरनेट रोज का मतलब होता है एक रो में कुछ और क्रॉप को उगाना, दूसरे में कुछ और को उगाना, इंटरक्रॉपिंग, ताकि दोनों ही जो क्रॉप्स हैं ठीक है उनसे प्रॉफिट लिया जाए। एंड नेक्स्ट इज कॉन्ट्योर प्लोइंग। कॉन्ट्योर प्लोइंग जो है, प्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्ट्योर टू अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर टू वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप्स। कॉन्ट्योर बैरियर क्या होता है, ये भी जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ट्योर बैरियर्स है। तो ये प्लोइंग, यहाँ पे खेती नहीं होती है लेकिन जहां पे कुछ लोग क्या करते हैं फिर इन एरियाज के आसपास एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो उनको कॉन्ट्योर प्लोइंग कहा जाता है। कॉन्ट्योर बैरियर एंड कॉन्ट्योर प्लोइंग का सिर्फ एक ही डिफरेंस है, बैरियर बनाएंगे जहां पे बैरियर बनाते हैं, सपोज अगर वो एग्रीकल्चर नहीं करते हैं तो वो हो गया कॉन्ट्योर बैरियर, लेकिन अगर वहां पे लोग एग्रीकल्चर करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्योर प्लोइंग, ताकि ऊपर से आने वाली मिट्टी की जो स्पीड है उसको कम की जाए। नेक्स्ट इज शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स मेनली कहाँ पे बनाए जाते हैं, कोस्टल एरियाज या ड्राई एरियाज। ड्राई एरियाज में शेल्टर बेल्ट्स बनाए जाते हैं, एक ही रो में प्लांट जो है वो ट्रीज को उगाया जाता है ताकि विंड की स्पीड को कम कर सके, ठीक है। ड्राई एरियाज, वैसे ड्राई एरियाज में प्लांटेशन पॉसिबल नहीं होती, लेकिन ऐसे एरियाज में जो भी ट्रीज की पॉसिबिलिटी होती है वहां पे उनको ग्रो किया जाता है ताकि विंड की मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ सॉयल एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉयल, ठीक है। हाँ जी, एनी डाउट?